हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल। आज मेरी मम्मी बनाने वाली है तेली तेली ते फूल की सब्जी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये केले के फूल को तोड़ के लेके आए हैं। ये हमारी अपनी बागान की है तो हम इसे तोड़ के लेके आए हैं और अब इसे आपको बनाने का तरीका बताते हैं। ये जो फूल देख रहे हैं ना, इसके ऊपर को आपको तोड़ के हटाना है। इसके जो ऊपर की जो परत देख रहे हैं आप, ये सारी परत जो है, जो काले काले है ना, वो गंदा है। उसके अंदर का जो है वो उसे ही बनाना है। देखिए आप इसमें देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है ना, इसे ही आपको बनाना है। इसे इस तरीके से तोड़ के हटा लीजिएगा और इस तरीके से इसको अच्छे से निकाल लीजिएगा। ये देखिए जिस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे हैं, उसी तरीके से आप इसे तोड़ तोड़ के हटाना है और एक प्लेट में निकाल लीजिएगा। तो इसी तरीके से करके हम सारे जो केले का जो फूल है उसे पत्ते से अलग करके रख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे फूल थे उसे निकाल करके एक प्लेट में रख लिए हैं और हमारी फूल इतना ही निकला है। जो बेस्ट था उसको निकाल दिए। अब देखिए फ्रेंड, इसको बनाने का तरीका बताते हैं। ये देखिए, ये जो फूल का बीच में देख रहे हैं ना, इस पार्ट को आपको निकाल देना है। ये देखिए मैं सामने करके दिखा रही हूँ, इस पार्ट को आपको निकाल देना है। ये देखिए, और ये जो फूल है ना, इसी से ही इस फूल में कड़वाहट आता है, थोड़ा कसैलापन आता है, इसलिए उसको निकाल देना बहुत ज़रूरी है। उसे ज़रूर निकालिएगा। ये देखिए, एक एक करके आपको इस तरीके से निकाल देना है। ये देखिए, एक बात कि जब भी आप इसे बनाइएगा तो हाथों में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लीजिएगा। ये देख रहे हैं मेरे हाथ ना, वो काला हो चुका है थोड़ा थोड़ा, लेकिन छूट जाएगा। तो ये वीडियो में जैसे ही बताया गया है, आप इसे उसी तरीके से फूल को निकाल लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ये जो है आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से सारे फूल को आप साफ़ कर लीजिएगा और इसमें से एक सादा सादा फूल जैसा भी निकल रहा, सफ़ेद कलर की, वो देखिए। हम थोड़ा सा आपको उस भी थोड़ा सा नहीं बता पाए थे, देख लीजिए, थोड़ा सा आपको सामने करके दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये भी निकलेगा, आप इसे भी निकालिएगा। इसे निकालना, बस ये दो ही चीज़ को आपको निकालना है, आप इसे ध्यान से निकाल दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो है सारे फूल को हम बना करके एक अलग प्लेट में निकाल लिए हैं और इतना सारा जो है इसमें से जो भी निकला उसे निकाल के छाट दिए हैं और जो भी खराब पार्ट्स थे उसे भी निकाल दिए हैं। तो अब चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। चलिए, तो एक बर्तन में पानी चढ़ा देना है। पानी को थोड़ा सा आपको उबलने देना होगा। इसमें आप स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें जो केले के जो फूल थे इसको आप डाल देंगे। और इसे ढक देंगे और इसे 5 से 10 मिनट तक, 5 मिनट इसको उबलने दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो केले के फूल में जितने भी जो थोड़ा सा कैसेलापन होता है ना, वो निकल जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इसको उबलने के लिए छोड़ दीजिए। तो कुछ मसाला हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिए हैं लहसुन, मिर्च, काली मिर्च है और ये जीरा है। हमने यहाँ अदरक का यूज़ नहीं किए हैं।
आप चाहें तो अदरक ले सकते हैं। पानी से इसको छान के निकाल के रख दिए थे ताकि इसका जो भी पानी है निकल जाए। ये पानी देखिए, पानी बहुत गंदा है। तो इसे चलते हैं बनाने का प्रोसेस में। तो हमने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम तेल डालेंगे। तेल हम गर्म होने देते हैं और इसे अच्छा गर्म होने देना है। जैसे तेल में से धुआं निकलता है ना, उसी तरीके से ही इसको गर्म होने देना है और इसे थोड़ा सा कढ़ाई के चारों तरफ थोड़ा सा फैला लेना है ताकि नॉन स्टिक बन जाए। और अब इसमें ये देखिए, इसमें अब हम केले के फूल को डाल देते हैं और इसे थोड़ा सा कच्चापन निकलने तक इसे भून लेना है। तेल में अच्छे से फ्राई हो जाएगा, इसे हल्का सा लाल होने तक ही भूनिएगा, ज़्यादा नहीं इसे भूनना है। और इस सब्जी को आप चाहें तो आलू के साथ भी बना के खा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ केले की फूल की ही सब्जी ही बनाएंगे। तो देखिए, ये हल्का सा कलर इसमें आ चुका है और थोड़ा सा 2-3 मिनट तक भूनेंगे और इसका फ्लेम जो है हाई ही रहेगा। लो टू मीडियम हाई करते रहिएगा और भूनिएगा इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये वीडियो जो है वो मेरे बेटा शूट कर रहा है। वो मेरा बेटा 4 साल का ही है तो उसे बस वही शूट कर रहा है। तो देखिए फ्राई कर हो चुका है, तो अब इसे एक बर्तन में निकाल देते हैं और फिर उसी पैन में हमने एक थोड़ा सा तेल लिया है और उसे गर्म होने देते हैं। उसमें राई डालेंगे, राई को थोड़ा सा चटकने देते हैं, थोड़ा सा भून जाएगा। उसके बाद हम प्याज डालेंगे। प्याज हम एक लिया है, बड़ा साइज का था और उसे पतला साइज में काटे हैं तो इसे भी डाल देते हैं और इसे गोल्डन कलर या फिर प्याज को भून जाने तक ही भूनिएगा। ये देखिए, तो इसमें ये देखिए कलर आ चुका है और प्याज भुन भी चुकी है अच्छे तरीके से। तो अब इसमें हम जो मसाला लिए थे पीस के वो डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे ताकि मसाला का कच्चापन जो है निकल जाए। अच्छे तरीके से भून लीजिएगा। और एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप इसमें खट्टा डालना चाहते हैं तो आमचूर पाउडर या फिर जो भी खटाई का चीज़ हो, इमली वगैरह, आप थोड़ा सा ज़रूर डाल दीजिएगा। थोड़ा सा इसका जो कैसेलाफैन है निकल जाएगा, पर हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें ऐड ज़रूर कीजिएगा या फिर आप टमाटर को क्वांटिटी जो है बढ़ा दीजिएगा। हम यहाँ टमाटर एक लिए हैं। ये देखिए, अब इसे डाल के भून देना है। अब इसमें थोड़ा सा जो है नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। इसके साथ थोड़ा सा भूनिएगा। मसाले को अच्छे से भूनना है और इसमें से थोड़ा सा तेल अलग हो जाएगा। ये देखिए, ऑलरेडी इसमें से तेल अलग हो चुका है। तब इसमें से जो बाकी जो मसाला है, जो सूखे मसाले हैं, वो डाल देते हैं। हल्दी पाउडर डाले हैं
और ये धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर एक चम्मच और थोड़ा सा और डालेंगे, बस थोड़ा सा, एक ही चम्मच मान लीजिए। और ये थोड़ा सा गरम मसाला है और ये थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च है, ये तीखी नहीं होती है, बस इससे एक कलर अच्छा आएगा सब्जी में, जो होती है ना शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। तो अब इसे डाल के भून लेंगे, और अगर आपका मसाला सटता है तो थोड़ा सा आप एक दो चम्मच पानी डाल दीजिएगा, जैसे कि इसमें से हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, और डाल के बस मसाला को अच्छे तरीके से भून लीजिएगा। इसमें से ऑयल जो है ऑटोमेटिक अपना भूनते भूनते अलग हो जाएगा, तब तक थोड़ा सा भूनिएगा। ये देखिए हमारे जो मसाला है वो भून चुकी है, और तेल भी इसमें से छोड़ दिया है। तो अब इसमें जो है फ्राई किया हुआ जो केले के फूल थे उसे डाल देंगे, और उसे डालने के बाद 5 मिनट और इसे पकाना है। तो देखिए हम इसे चला देते हैं, 5 मिनट और पका देते हैं। और अगर आप इसमें इस स्टेज पे अगर आलू डालते हैं तो आप इसके साथ भी भून दीजिएगा, वो दोनों भी सब्ज़ी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है, आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह बनाना चाहें, पर हम सिर्फ फूल का सब्ज़ी बना रहे हैं। और आप इसे मतलब कि ज़्यादा पानी डाल के, और या तो मतलब थोड़ी सी पतली या फिर गाढ़ी भी करके खा सकते हैं, ये जैसा आपका इच्छा करे उस तरीके से खाइएगा, लेकिन हम इसे थोड़ा सा सूखा ही बनाएंगे। तो ये देखिए 5-6 मिनट के करीब और हम इसे भूंजे हैं, और इसमें जो है कि अब थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो चुका है, और ये 90% जो है अच्छे तरीके से गल चुकी है, बाकी 10% है पानी डाल के और भी गल जाएगी। ये देखिए पानी डाल देते हैं, और डालने के बाद अब थोड़ा सा चला करके मिक्स कर देना है, और फिर इसे ढक देना है। ये देखिए इसमें इतना और पानी है, इसे थोड़ा सा और पका लेते हैं। ये सब्जी बनके रेडी है, थोड़ा सा और इसका पानी सुखा लेते हैं, क्योंकि इसे हम लोग पराठा के संग खाने वाले हैं, तो बस थोड़ा सा सूखा जो कहते हैं ना लटपट, उसी तरीके से बना रहे हैं। तो और थोड़ा सा पानी सुखा देते हैं और इसे सर्व करते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड, हमारे केले के फूल की सब्जी बनके रेडी है। तो आपको अगर ये केले के फूल की सब्जी का रेसिपी पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अगर डालें तो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा, और हो सके तो फैमिली फ्रेंड में इसे शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।